तो चलिए बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जहां पर आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापत को यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर आत्मदाह की कोशिश करने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे तीन दिन पहले ही आत्मदाह की उसने चेतावनी दे दी थी, जिसे देखते हुए यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पुलिस कर्मियों का डेरा लगा रहा। प्रजापत आज ज्वलनशील पदार्थ की बोतल लेकर दोपहर 12 बजे यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचे और उनके पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेता पुष्कर मीणा ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण को प्रदेश में अभी तक अमली जामा नहीं मिला है। इसके अलावा अब तक बेरोजगारी भत्ता भी नहीं हुआ है, इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। हजार जो राशि थी वो नहीं पहुंची है, ना ही आप लोगों ने उसमें भी आपने छटनी कर दी, उसके बावजूद 70,000 लोगों को लिए आपने बोला कि 70,000 के खातों में ये जरूर से जरूर ये बेरोजगारी भत्ता जाएगा, वो भी नहीं पहुंचा। तीसरी मांग है कि आपने एक शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया, आपने सरपंची में 10वीं पास योग्यता जो लागू की थी उसको आपने हटा दिया। आप क्या चाहते हैं, आप इस देश में ऐसे अशिक्षित लोगों को, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं हो। दूसरी आपने बात की, आपने राजद्रोह के केस को हटाने की आपने घोषणा पत्र में मांग की है। दूसरी 35 से जो कश्मीर को सब लोग चाहते हैं कि कश्मीर को हम जल्द से जल्द ब्लैक है उसको आपने एक अलग स्टेट के रूप पर स्थापित यथावत रखने की मांग की है।